राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है हरियाणा विधानसभा में। सर माकन साहब के पक्ष में कितने वोट आप लोग डलवा पाए? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वोट काउंटिंग के बाद होगी। माकन साहब हर हालत में जीत रहे हैं, इसमें किसी किस्म का शक है ही नहीं, है ना। क्रॉस वोटिंग को लेकर के कांग्रेस को डर भी था? कोई क्रॉस वोटिंग हमें डर नहीं था, हमारे सारे एमएलए इंटैक्ट थे और हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी और हमारे सारे वोट अच्छी तरह पड़े, क्योंकि इसमें जो वो होता है पर्यवेक्षक, उसको दिखाए जाते हैं वोट, तो सबने दिखा के तब डाला जाता है। तो वो आपत्तियां होती रहती, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने आपत्तियां मानी नहीं, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं था, कोई उनमें सब्सटेंस नहीं था, इसलिए वो नहीं मानी, इसलिए जीत तय है। जी तो कांग्रेस का खेमा अपने उम्मीदवार यानी अजय माकन की जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त है। मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, काउंटिंग जो है वो 5 बजे से शुरू होगी और तभी आधिकारिक तौर पर साफ हो पाएगा कि हरियाणा की 2 राज्यसभा जो सीटें हैं उनसे कौन कौन चुनकर राज्यसभा पहुंचेगा। बीजेपी उम्मीदवार का जीतना तय है, मुकाबला अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके बीच है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज चंडीगढ़।